नंदू हॉस्पिटल के सामने खड़े होकर फूफू कर रहा है। बीबी बीमार है, अंदर है। क्या हुआ भाभी को? वही औरतों वाली बीमारी। औरतों वाली बीमारी? खर्चा इतना। सिगरेट कितने की? 10 रुपए की। 10 रुपए की? और जेब में कितनी पड़ी? एक और है। मरने के लिए तेरे पास पैसे हैं, लेकिन बीवी को मौत से बचाने के लिए पैसे नहीं है। क्या बक रहा है? ये देख, मौत लिखी है इस पे, मौत। और ये सैनिटरी पैड पे जिंदगी। हंस मत। 2 सिगरेट के पैसे से भाभी को ऐसी खतरनाक बीमारी जो माहवारी के वक्त गंदा कपड़ा इस्तेमाल करने से हो सकती है, उससे बचा सकता है। और सिगरेट ना पीने से अपने आप को भी खतरनाक बीमारी से बचा सकता है। यानी कि मौत के पैसे से 2 जिंदगी खरीद सकता है तू, एक अपनी और एक अपनी बीवी की। सोच अब हंस। हीरोगिरी, ये पीने में नहीं है, ये देने में। अरे तुम तो ऐसे नोच रहे हो जैसे ये तुम्हारा पति हो। वहाँ देखो, कोई किसी को मार रहा है। अरे वो तो हमारे अंकल ही है। चलो चलो चलो, देखते क्या हो रहा है। आओ चलो। अबे तेरी तो छोड़, क्यों मार रहा है? छोड़, बोला ना छोड़ से। छोड़ मेरे को। अरे ये क्या कर रहे हो? आपको पता है इसने क्या किया? इसकी वजह से मेरा पैसा बर्बाद हो गया। अब इसके साथ मैं और क्या करूं? आप बताओ। पैसे की वजह से तुम इनको इस तरह से मारोगे? दूर है, चुप रहे। क्या हुआ अंकल, बताइए मुझे। मैंने इस आदमी से सुकू का घर खरीदने को कहा, बस इतनी सी बात है, और ये मेरे साथ ऐसा कर रहा है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम। क्या है भाई जी, इस डील के ब्रोकर आप हैं? हाँ हूँ, क्यों? कितना खर्चा आया? कितने में करवाई? तुम ही बताओ भाई, तुम्हें क्या लगता है ये जगह मैंने इन्हें कितने में दिलाई होगी? 50 या 60 लाख में। 50-60 लाख? पता है ये डील मैंने सिर्फ 30 लाख रुपए में करवाई। देखा मेरा कमाल, क्या समझते हो? आजकल रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ गई है, कितना खर्चा आया? भाई अभी तक रजिस्ट्रेशन कराया ही नहीं है। अच्छा, एडवांस पहले दे दिया है क्योंकि सुकू को गल्फ जाना था, इसीलिए मैंने ये डील जरा जल्दी में करवा दी। ये लीजिए, अपने देवी देवता और पूर्वजों को याद करके इसे किचन में ले जाइए। ये क्या है? नोटिस। तुम्हें यहाँ पर इतने सारे लोग नजर नहीं आ रहे हैं? इस नोटिस को हम में से किसी के हाथ में भी तो दे सकते थे। ये नोटिस घर सील करने का। मैंने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखे बिना ये डील करवा दी, लेकिन मुझे पता नहीं था कि सुकू ने इस घर के नाम पर लोन लिया हुआ था। कैसे वो ऐसा करने का? ए पीछे आ जा, तुमने नहीं। ए छोड़, छोड़ यहाँ से, छोड़, आगे चल, चल, चल। मेरे पे स्टोरी आ जा, आया तो तेरी हालत खराब हो जाएगी, समझ? मैं भी तो देखूं, आने दो उसे। अंकल को कोई मार रहा है। We'll be right back.
तुम्हारा नाश्ता। यार मेरी कमर। शिवांकल कितने पैसे हुए? क्या क्या लिया तुमने? वो दो रोटी, दो पापड़, एक अंडा करी और एक चाय। क्या क्या था? दो रोटी और दो पापड़, एक करी और एक चाय। तुम्हारे हुए 22 और 10 और 29 और उसमें से 8 और 50 जोड़े, मतलब पूरा कितना? 90 रुपए हो गए। 90? दो रोटी, दो पापड़, एक प्लेट अंडा करी और एक चाय के 90 रुपए? बहुत ज्यादा है। अरे तुमने अंडा करी ली थी, अब मुझे लगा मछली ली है, इसलिए थोड़ा हिसाब में गड़बड़ हो गया। तुम्हारे हुए 22 और उसमें 10 और उसमें 32 और उसमें 8 और 30 जोड़े, पूरे 70। 70 रुपए? सिर्फ दो रोटी, दो पापड़, एक प्लेट अंडा करी और एक चाय के 70 रुपए? रोटी ली थी, मुझे लगा पराठा लिया, इसलिए थोड़ा हिसाब में गड़बड़ी हो गई। कोई बात, तुम्हारे हुए 12 और 10 और 22 और उसमें 8 जोड़कर 30, पूरे 60। 60 रुपए? इतना ज्यादा? क्या अंकल, मैंने तो बस सिर्फ दो रोटी, दो पापड़, एक प्लेट अंडा करी और एक चाय लिया था। तो फिर 10, 8, 22, 10 और 50, 50 हो गए। ये कुछ ज्यादा नहीं है? देखो तुम ऐसा करो, जितने देने हैं दे दो और चलते बनो। नमस्ते, जाओ। ये हुई ना बात, ये लो इतना ही होना चाहिए। जाओ भाई जाओ। कैसा बेवकूफ है। जय सर। शिवन अंकल आओ, सब लोग आओ। सबको चाय पिलाइए। वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारा हिस्सा पहले ही बहुत बढ़ चुका है। ये तो अच्छी बात है ना शिवन अंकल, तुझे भी चाहिए। ये तुम्हारे हाथ में क्या हुआ? जरा इसको बताओ। इन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर कोचू अंकल की जान बचाई, पता है तुम्हें? लेकिन मैंने तो सुना है उन गुंडों से लड़ने वाली उनियारचा था। अरे ये तो अच्छा हुआ कि उनियारचा आ गई, वरना ये तो उसे मार ही देते। जय सर। देखो उसे बेटा, ये अभी भी उस मास्टर का नाम ले रहा है जिसने इसे स्कूल में पढ़ाया होगा, समझ गया ना बेटा? इनके स्कूल के मास्टर नहीं थे, बल्कि जय सर पुलिस स्टेशन में एक SI थे। उन्होंने इनको एक गलत सामान बेचते हुए पकड़ लिया था, इसलिए बहुत पीटा था। इसलिए जब भी इनको दर्द होता है जय सर का नाम लेते हैं। मनोज है क्या? क्या हुआ बहन? मनोज यहाँ पर आया क्या? मनोज हाँ, वो उनियारचा के क्लब में ही रहेगा। परेशान हो गई हूँ इससे मैं। अरे तुम सब उस क्लब को बंद क्यों नहीं करा देते? बंद करा दे? अरे मैं क्या, उसे कोई मंत्री भी बंद नहीं करा सकता, समझे? क्या यार, क्या पत्ते मिले हैं आपको, कमाल कर रहे हो आप। शनि भाई आज तुम्हारा लक अच्छा है। चल मैं ब्लाइंड खेलता हूँ, चलो शो करो। चलना चलना, देखते हैं किसके पास क्या आया। मनोज, मनोज है क्या यहाँ पर? पता नहीं कहाँ गया होगा। तुम कौन हो उसकी? पत्नी हूँ। क्या काम है? उसने कहा था कि वो माँ के इलाज के लिए पैसे लेकर आएगा। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन आखिरी तक रुकना पड़ेगा। ये उनियारचा का क्लब है, अगर तूने दोबारा ऐसी गलती की ना तो वो तेको यही टपका डालेगी। राधा तू जा यहाँ से। अरे अपना सुनामी उड़ा भी, इसको शायद ये पता ही नहीं कि औरतों का कैसे पेश आते। इनको थोड़ा खर्चा पानी दो। Thank you.
अरे तू बैंगलोर अकेली जाइए? हाँ। ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं? हाँ, गलत क्या है इन कपड़ों में? तुम्हारे लिए ये बेटी जैसी होगी, मेरा तो बेटा है ये। यही बात तो आपकी अच्छी लगती है। ये बस के ऐसे ही घूमती रहेगी, अब इसकी शादी कर देनी चाहिए, कुछ तो सोचना होगा। तुम कब से परिवार के बारे में सोचने लगे? जब इसकी माँ मरी तब तो तुम इसका ख्याल तक नहीं रख पाते थे। ये तुम्हारी बेटी बनकर बड़ी नहीं हुई है, मेरी बेटी बनकर बड़ी हुई है, इसीलिए इसमें लड़कों जैसे गुण है। चल बेटी अंदर आ जा। और बता, कॉलेज में सब कैसा चल रहा है? वहाँ सब अच्छा चल रहा है। देखो, तुम्हें उसकी आदत तो पता ही है, तुम उसके पिता जो हो, लेकिन जब तुम उसे ताने मारोगे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसको अच्छे से ख्याल नहीं रख पाया, इस बात को मैं मानता हूँ, लेकिन जब भी वो मेरी बच्ची के सामने मुझे सुनाती है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो, तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं है। मैं उसका पति हूँ फिर भी मुझे ताने मारती है, बेवजह परेशान मत हो। कद इसका 4 फीट भी पूरा नहीं है, लेकिन खुद को अमिताभ बच्चन समझता है। एक साधारण आदमी जितना कद भी होता तो एक अच्छा बाप बन सकता था ये। कंबल वाला। क्या है? कंबल है। ऊनी कंबल है। जो कंबल मेरे पास पहले से है वही काम में नहीं आते, और लेकर क्या करूंगा? ले जाओ यहाँ से। ठीक है। ऊनी कंबल लेकर आए। ये आदमी लगता है शुतुरमुर्ग के अंडे से निकला था, ताड़ के पेड़ जैसा लंबा है ये तो। पता नहीं हम इतने छोटे कैसे रह गए। जिनके पास आंखें हैं वो प्लीज देखो, जिनके पास कान है वो प्लीज सुनो, प्लीज इस बच्चे पर थोड़ा दया दिखाओ, जिसका अगले महीने ऑपरेशन होने वाला है, प्लीज इसके गरीब माँ बाप पर थोड़ी दया करो, उनकी मदद करो, जिन्हें उनका ऑपरेशन करने के लिए पैसों की जरूरत है, दया करो। गाड़ी रोक। अरे बच्चे तू अंदर ही है ना, चल बाहर आ जा, बाहर आ जा, अब थोड़ा लाचार का चेहरा बनाकर खड़ा हो जाए यहाँ पर। मेरे प्यारे गांव वालों, देखिए ये बच्चा देखने में तो हमारे जैसा ही है, लेकिन इसका नाजुक शरीर बीमारियों का घर बन गया है। प्यारे गांव वालों, ये प्यारा सा छोटा सा बच्चा ब्रेन ट्यूमर जैसे भयानक रोग का शिकार हो गया है और बहुत लाचार हो गया है। गांव वालों, इसका मेजर ऑपरेशन कराना है, अगर इसका ऑपरेशन हो गया तो ये बच सकता है, लेकिन ऑपरेशन नहीं हुआ तो ये मर जाएगा। मगर इसका ऑपरेशन कराने के लिए इसके माँ बाप के पास पैसे नहीं है। बकेट लाओ बकेट। हाँ तो दोस्तों, इस बच्चे की मदद करो, इसका ऑपरेशन करवाने के लिए और इसका जीवन बचाने के लिए थोड़ा थोड़ा दान करो, आपकी थोड़ी सी मदद इस बच्चे की जान बचा सकता है। अरे तुम रो। प्यारे भाइयों, क्या आप लोग ये नहीं चाहते कि इस बच्चे की जान बच जाए? इस गरीब परिवार पर दया करके थोड़ा दान कर दो भाइयों, इनके हालात पर थोड़ी दया करो। एक रोता हुआ चेहरा बनाकर सबको देख, आपका दान इस बच्चे की जान बचा सकता है। भाई यहाँ इतना ही मिला। प्यारे भाइयों, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारी मदद की। अंदर रखो इसको। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमारी मदद की, बहुत बहुत धन्यवाद, बाकी हम कहीं और जाकर मदद मांगेंगे। चलो अंदर, चलो अंदर बैठो। पैसे वाले बकेट को जरा संभाल कर पकड़ना, चलो बाजार की तरफ चलते हैं, वहाँ थोड़ा ज्यादा दाम मिलेगा, चलो जल्दी करो। प्यारे भाइयों, 2100, 2200, 2400, 2600, अब इतना ही है क्या? चलो ठीक है। कुछ नहीं है इसमें। 1, 2, 3, 4, ये लो तुम्हारे 500 रुपए। सुबह से गाड़ी चला रहा है, 100 रुपए दो कम से कम। अरे तो क्या हुआ, सारे खर्चे तो मैंने किए, यहाँ तक कि पेट्रोल भी मैंने डलवाया, इतना काफी है तेरे लिए? ऐसी बात नहीं है भाई। तो क्या है? बकेट लेकर भीख तो मैंने ही मांगी। साउंड सिस्टम का 2500 दो। 2500 वो भी इस कबाड़ के लिए? मजाक मत करो, ये लो अंकल 1000 रुपए पकड़ो। तुम खुद ही रख लो इसको। देखो तुम्हें पता है ना ये सब दान पुण्य का काम है, फिर भी तुम ऐसे बेकार की बात कर रहे हो। अगली बार मैं जले हुए आदमी को लेकर आऊंगा, जिससे ज्यादा मुनाफा होगा तब ज्यादा पैसे ले लेना। ये औरत और उसका ये बच्चा भाड़े पर लाए हो ना? लाया हूँ, मैं इन दोनों को भाड़े पर लाया हूँ। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं होता तब मैं तुम्हें काम देता हूँ ना, अब मैं तुम्हारे लिए इतना कुछ करता हूँ तो ये क्या कुछ कम है क्या? मुझे भी मेरे पैसे दे दो भाई। बकवास मत कर, मैंने पहले तुझे चिकन बिरयानी खिलाकर और तेरे इस बच्चे को किंडर जो दिलाकर बहुत खर्चा किया है, अब तू इसको लेकर निकल यहाँ। चल देख, कल हमको गंगापुर गेस्ट हाउस के सामने ड्यूटी देनी है, तुम अभी इसको लेकर जाओ। और तुम लोग देखना, कल मैं तुम लोगों को शरबत पिलाऊंगा और मिठाई खिलाऊंगा। बड़ा
माँ प्लीज इस लाचार आदमी की मदद करो जो अपने हाथ पैर पर नहीं चल पा रहा है। मेरे इलाज के लिए थोड़े पैसे दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। दुखी मत हो, सब ठीक हो जाएगा। मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर तुम्हारी परेशानी जरूर दूर करेंगे। ईश्वर की कृपा सदा बनी रहे। उसके यहाँ देर है अंधेर नहीं। मुझे बहुत खुशी हुई जब से मैंने तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में सुना। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। ये सब तो आपका आशीर्वाद है। नहीं, ये सब तो तुम्हारी अच्छाई है। मैं तो बस निमित्त मात्र हूँ। देखा प्रभु, आपका बच्चा अब काबिल हो गया। हम तो सिर्फ अपना कर्म करते हैं, परमेश्वर उसका फल देता है। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। वो तो हमेशा रहेगा। तुमने अच्छा काम किया है। अब तुम्हें उन लोगों की मदद करनी है जो लाचार हैं। इतना ही नहीं, तुम्हें ये भी याद रखना है कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। नहीं फादर, मैं कभी नहीं भूलूंगा। वो मुझे अच्छी तरह पता है। ये बताओ, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ हुई? गांधीनगर पुलिस स्टेशन। मैंने बहुत जोर लगा के अपनी पोस्टिंग वहाँ करवाई है। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत है क्योंकि वहाँ रहती है उन्नी अर्चा, जिसकी वजह से मेरे पिता आज इस दुनिया में नहीं। एक बार मैं उसे गिरफ्तार कर लूं तो उससे पूछूंगा कि तूने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। मैं वो सब भूल नहीं पाता। अनाथ आश्रम में रहकर मैंने बहुत बार सपने में देखा कि मैं अपने हाथों से उसका गला घोंट रहा हूं। प्रतिशोध ये परमेश्वर पर छोड़ दो। वक्त तो उनसे जरूर हिसाब लेगा। मेरे बच्चे, ये सब अपने मन से निकाल दो। अपना फर्ज लोगों के लिए निभाओ। मुझे तुमसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। आप मुझ पर पूरा भरोसा रखें। क्या तुम अपने भाई बहनों से नहीं मिलोगे? बच्चे लोग, सब लोग बाहर आओ, आ जाओ। ये लो, ये तुम्हारे लिए। ये हेलो, क्या गेस्ट हाउस से निकल गए? यहाँ सब कुछ रेडी है। हाँ, ओके ओके ओके, जल्दी आओ। सुनो, एमएलए गेस्ट हाउस से निकल चुके हैं। दिनेश, फूल वगैरह रेडी है ना? हाँ सर। हाँ, वीडियो वीडियो। हाँ, जल्दी करो जल्दी करो। मेंबर सब रेडी करो। अरे ये करो। यार का प्यारे लोगों, पंचायत में होने वाले भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक एपीपी के द्वारा भूख हड़ताल का आरंभ किया जा रहा है। हमारे माननीय एमएलए साहब इसका उद्घाटन करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हम सभी के परम प्रिय और हमारे सम्मानित नेता एमएलए श्री हरीश जी यहाँ पर आ रहे हैं। ये इनके बारे में बिल्कुल सही बोल रहा है, लेकिन गांव वालों को इनकी कोई अहमियत नहीं है। अरे बाप रे। अरे ये क्या है सर? अरे ये क्या, सब एक ही में क्यों डाल दिया तुमने? अरे तो दोस्त को दे दो, दोनों मिल बांट कर खाओ, दूसरी प्लेट नहीं है। मैं आचो नहीं, शिवम हूँ, शिवम। ब्रो, तुम्हारे पास खाने पीने के लिए क्या है? पिज़्ज़ा है, पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा। क्या कहा, तुम्हारे पास पैसे नहीं है? क्या तुम्हारे पास सबसा, अल्फा, दवाई, तंदूरी? कौन सी पूरी? You don't know, you can't tell. अरे लोगों का बात करने का तरीका ही बदलता जा रहा है। यहाँ जो भी खाने को मिलता है वही खाने का और चुपचाप यहाँ से निकलने का। तुम बातें बहुत अच्छी कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कुछ मॉडर्न खाने को है? नहीं है। ओके ब्रो, कम ऑन, यस, यो यो, चल निकल। इसके सर पर टॉयलेट साफ करने वाला ब्रश लगा है क्या? अरे देखो, कहीं ये वही वाली लड़की तो नहीं है? हाँ भाई, लगता है वही चे। स्टॉप स्टॉप, हे स्टॉप, क्यूट गर्ल, स्टॉप। कौन है ये लोग? मैंने पहले बताया था ना आपको, ये वही लड़के हैं। ओ तो ये वही हैं। क्या हुआ? दो। क्या बात है? ए बुढ़िया, ये यंगस्टर्स का मैटर है, चल वाट। हमारे प्रिय एमएलए साहब यहाँ किसी भी क्षण पहुँचते होंगे। पार्टी के सभी मेंबर्स आगे आ जाइए। अंकल जल्दी आइए, सभी लोग आगे आ जाइए।
उस दिन तो तू हमसे बच गई थी, लेकिन आज हम तुम्हें अच्छे से सबक सिखाएंगे। ओहो, तो ऐसा है क्या? अरे अपन को इतना कुटेला, अपन को भी पंगा नहीं लगा इसे। मैं भूख हड़ताल का उद्घाटन करता हूं। नमस्ते। एक गिलास दारू दे दो ना। क्या? एक गिलास। मैंने 10 बजे दारू पिया था भाई। मैं यहाँ क्या दिन भर मेहनत करके बस तेरे लिए ही दारू बनाता हूँ, अभी नहीं मिलेगी दारू। चुप बैठ। आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए यहाँ पर। ए जरा खिसक, बैठने दे इनको भी। एक गिलास दारू के चक्कर में शाम तक बैठा रहता है, मेरा धंधा चौपट करेगा। हे भगवान, कोचाटन अंकल, आज ये ठेका तो गया समझो। मेरे प्यारे सांप वासियों, नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, मेरा आदमी आया है, तुम लोग मत जाओ, यहीं पर बैठे रहो। ये मेरा तुम सबको आदेश है। तुम हंस क्यों रहे हो? मेरी हिंदी में ऐसी क्या खराबी है बोलो? वो क्या सच में इतना डरपोक है? क्या तुम इस गांव से नहीं हो? कोचू अंकल आ रहे हैं। यहाँ आ गए तो बखेड़ा करा कर देंगे। क्यों, दबंग है क्या? नहीं, उनकी पत्नी दबंग है। अगर कोई उनके साथ उलझता है तो उनकी पत्नी उसका बैंड बजा देती है। कोमड़ू। अरे पागल, क्या हो रहा है यहाँ पर? क्या अंकल? अरे मैंने पूछा ये गंध यहाँ कैसी आ रही है। अरे आप आओ, इधर बैठो। इधर बैठूं? मारेगा मुझे तू? चल मार मुझे, मार मुझे, मार। गुन्नी अर्चा! हे भगवान, अब मेरा दुकान तो गया। सबको जीप में डालो। नहीं, बताओ मुझे कहाँ आना है, मैं आऊंगी तुम्हारे साथ। मुझे भी आना पड़ेगा। आप तुम भी चलो। चलो। जब तुम्हारे पति को कोई मारता है तो तुम भी उसे मारने जाती हो। तो इस वक्त मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे पति को मारूंगा, क्या तुम मुझे मारोगी? सोचना भी मत कि मेरे पति को हाथ लगा पाओगे, अभी मैं जिंदा हूँ। वैशाली। सर। क्यों डर गई क्या? मैंने जो कहा है वो करो। सर, ये आपका ऑर्डर नहीं मानेगी, क्योंकि मैं कैसी औरत हूँ ये जानती है। वो क्या है ना सर, आपका तो दुनिया में कोई है नहीं, पर हमारे पास अपना परिवार है। रहने दो, मैं इसे लेकर खुद जाता हूँ। उन्हें हाथ मत लगाना। छोड़ दो सर, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। नहीं खड़े होने। सर, मैं हूँ एडवोकेट साइमन डिसूजा। औरत से पूछताछ करने के लिए एक महिला पुलिस ही उसे हाथ लगा सकती है। भले तुम नए हो, कानून तो पता होना चाहिए। तुम जरूर इसे बेल कराने आए, पर मैं इसे कोर्ट में पेश करूंगा। यह तुम्हारी बेवकूफी है। जब तुम इन्हें अरेस्ट करने आए थे तब तुम्हारे साथ कोई फीमेल ऑफिसर नहीं थी। एक महिला का शराब की दुकान पर जाना, ये कौन सा क्राइम है सर? आपने क्या सोच के इन्हें अरेस्ट किया है? अगर उन्होंने आप पे एक काउंटर केस फाइल कर दिया ना,
तो देख लेना तुम्हारी वर्दी भी उतर सकती है। ऐसा कुछ होने से पहले ही छोड़ दो, तुम्हें ही परेशानी होगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, इसे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, साइन लेकर छोड़ दो। ऐसा मत सोचना तुम बच गए। एक दिन मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा और तुम्हें कोई बचा नहीं पाएगा। मैडम, बाइक को क्या हो गया? हाँ, कौन है? ओ, वकील, थोड़ा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। मैं कोई मदद करूँ क्या? कोर्ट का काम काफी नहीं है क्या? तुम्हारी ये सेंस ऑफ ह्यूमर मुझे पसंद है। थैंक यू। क्या चिन्नम्मा ने बताया कल क्या हुआ था? क्या हुआ? ओ, तो तुम्हें शायद उन्होंने बताया नहीं, कल पुलिस स्टेशन में ऐसा ही मुझसे उलझ रहा था। जब मैंने उसे फटकार लगाई तो वो डर गया। उसे जरा से भी तमीज नहीं है, इसलिए मैंने उसे जरा सा पार्ट पढ़ा दिया। तुम बाइक यही पार्क कर दो, मैं छोड़ दूंगा। नहीं, इंजन में थोड़ी धूल चली गई है, अगर मुझसे ठीक नहीं होगी तो वर्कशॉप ले जाऊंगी। सुनो, बहुत समय से तुमसे एक बात कहना चाहता था। क्या बात है? वो क्या है कि अब तक मैं तुम्हारी कंपनी का वकील रह चुका हूँ। हाँ, तो मैं सोच रहा था अगर तुम्हारा फैमिली वकील बन जाऊँ तो। मैं समझी नहीं। अरे लड़की, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। देखते तो अच्छे खासे हो। तुम हाथ में चिराग लेकर भी घूमोगी पूरे गांव में, तो भी ऐसा लड़का तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अच्छा, तो ये बात है। तुम सुंदर हो इसलिए पूछा। लेकिन इन सब के साथ संस्कार भी जरूरी है। सुनो, कोर्ट में हमेशा मुझे चोरबाज, खूनी, रेपिस जैसे बुरे लोगों से डील करना पड़ता है, इसलिए मुझे ऐसी ही बात करनी आती है। संस्कार की बात करने का कोई फायदा नहीं। देख लिया, तो यही है तुम्हारा बिहेवियर। तुमसे शादी करके तो मेरी जिंदगी कबाड़ हो जाएगी, इसीलिए कहती हूँ BMW के सामने फीएट इंजन का क्या काम। इसीलिए तुम तो रहने ही दो, तुम्हारा काम नहीं बनेगा। काम नहीं बनेगा तो लगता है लड़की नहीं मिलेगी यार। कोचाटन अंकल, जरा ये देखना, पति ने अपनी पत्नी को सिर्फ इसलिए तलाक दे दिया क्योंकि उसकी पत्नी 6 महीने से बात नहीं कर रही थी। बेवकूफ, इसे इतना भी नहीं पता आजकल ऐसी लड़कियां मिलना कितना मुश्किल हो गया है। सही कहा, कोचू अंकल को ही देख लो। क्या वो कभी इनको शांति से रहने देती है? शांति क्या, वो इन्हें कुछ भी नहीं देती है। अरे लेकिन अब तो तुम बेलांगनी जाके रहने लगे हो, अब भी शांति नहीं है क्या? हाँ, अब तो बेलांगनी ही बदल गया होगा। ओ, तो ये बात है। मंत्री ने कहा कि इंडिया की आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि हर एक एक सेकंड में एक औरत एक बच्चे को जन्म दे रही है। तो फिर ये लोग उस औरत को पकड़ कर उसे बच्चे पैदा करने से रोकते क्यों नहीं? आप इधर बैठे हो, अपन पता है किधर किधर ढूंढ के आए। अरे तो फिर तुम्हें सबसे पहले मुझे यहाँ पर ढूंढना चाहिए था ना, यहीं पर तो बैठा हूँ तब से। मैरिज ब्रोकर कुणाल एक अच्छा लड़का लाया था, पता है? अरे यार, तुम पागल हो गए हो क्या? यहाँ पर किसे किसे करनी है शादी? अपुन की बेटी के लिए। ये, अभी उसकी शादी करना जरूरी है, अभी तो इतनी भी बड़ी नहीं हुई है। अरे तो लड़की की शादी कराने के लिए उसके बड़े होने का इंतजार करना जरूरी है क्या? इसीलिए तो मैंने अपनी लड़की की शादी पहले ही तय कर दी है। नहीं तो क्या उसकी सामूहिक शादी करवाते? अच्छा सुनो, चिंता मत करो, मैं ये मामला चिन्नम्मा के सामने बहुत अच्छे तरीके से पेश कर दूंगा। क्या कहते हो? इतनी जल्दी मेरी शादी कराने की क्या जरूरत है? क्या मैं आपको इतनी बड़ी लगती हूँ? मेरी बच्ची, मेरे कहने का मतलब ऐसा मौका हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। क्या चिनम्मा, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं सुकून से रहना चाहती हूँ। उससे अगर एक बार मिल लेगी तो कोई पहाड़ नहीं टूट पड़ेगा। देखो बेटी, अगर तुम्हारे मन में कोई लड़का है जो तुम्हें पसंद है तो बता दो। क्या बात कर रहे हो, बता दूं? सच में बता दूं? वो एक अमेरिका का बिजनेसमैन है। अमेरिका का हो या उगांडा का, उसका नाम तो बता। बता। ट्रम्प, डोनाल्ड ट्रम्प। वैसे जिसके बारे में बता रही हो वो क्रिश्चियन तो है ना? मेरी चिनम्मा, वो अमेरिका का नया प्रेसिडेंट है, समझाओ जरा इनको। प्रेसिडेंट हो या मुख्यमंत्री हो, क्या फर्क पड़ता है, मैं उसी से तेरी शादी करवाऊंगी।
ठीक है, लेकिन पहले तुम मुझे उस ट्रंप का फोन नंबर और पता दे दो, मैं खुद इस बारे में उससे बात करूंगा, तभी तो शादी की बात आगे बढ़ेगी, नहीं तो तू भी अपने पिता की तरह बिना शादी किए पूरी हो जाएगी। तो फिर उनसे मिलने के लिए कहो। ट्रंप से? नहीं, जिनके बारे में आप बात कर रहे थे। नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। आओ। नमस्कार। चलो जल्दी उतरो। नमस्कार। काफी बड़ा मकान है। वो क्या है, इस मकान को मिलाकर जमीन 5 एकड़। अच्छा अच्छा, लड़की के पिता कहाँ है? 6 एकड़ में से 1% भी कम नहीं है, सब अपना ही है। तो अंदर भी होंगी। चलिए चलिए चलिए, आइए। मुझे लगता है इन्हें कम सुनाई पड़ता है। चलो चलो, आते जाइए आते जाइए। हाँ, देखते हैं। चलिए चलिए। अनियप्पा, कहाँ जा रहे हो? वो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें तुम्हारे बारे में पता नहीं चलना चाहिए। आप लोग ऐसे चुपचाप क्यों बैठे हैं? कुछ खाते क्यों नहीं है? ये सब आपके लिए ही तो है। खाइए खाइए खाइए, हमारे लिए है। आप ये लड्डू खाइए, बहुत मीठे लड्डू है। हाँ, खा कर देखिए। नमस्ते। ये है चिनम्मा, लड़की की आंटी। और ये है लड़का। और लड़की के जो पिता हैं? तुम चुप रहो। लड़की के पिता भी यहाँ नहीं है, वो बैंगलोर में है। ठीक है, तो अब लड़की को बुलाइए। जाओ जरा उसे बुलाओ। उसे मेरे बुलाने पर आएगी, कभी कभी बहुत परेशान करती है वो। बुलाओ उसे। बुलाता हूँ, आता हूँ। क्या बोल रही है ये? ये लड़के के साथ अकेले में बात करना चाहती है। इसमें गलत क्या है, बात करने दीजिए। बहुत बढ़िया। हाँ। मेरा नाम है जॉन, मुझे तुम्हारा नाम तो पता ही है। तुमने कहा कि तुम्हें अकेले में बात करनी है। वो क्या है कि तुम्हारी सिप खुली है। अरे ये क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे पास और भी लड़की वालों के कई नंबर हैं, बहुत सारी जानकारी है। अरे एक बार आप आकर मुझको मिलिए तो सही है। एक मिनट। अरे रुके। हाँ रुके, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या है, पागल है क्या? ये तुम क्या कर रहे थे? मरना ही है तो जहर खा के मरो यार, मेरे गाड़ी के सामने क्यों आ रहे हो? अरे मैं तुम लोगों से वहीं कुछ बातें करना चाहता था, लेकिन वहाँ नहीं कर पाया क्योंकि बुढ़िया कुछ कहती तो मुझे गुस्सा आया। अरे ये क्या बकवास कर रहा है? ये तो अच्छा हुआ कि लड़के वालों ने मुझे पीटा नहीं, उन्होंने यहाँ तक कहा कि लड़की दिखाने के बजाय मुझे लड़का दिखाने लेके आया है। ऐसा कहा उन्होंने? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसे लोग तो कभी नहीं देखे जिनको ये तक पता नहीं है कि एक लड़की को कैसा संस्कार देना चाहिए। पता नहीं कैसे लोग हैं। चलो मैं चलता हूँ। अरे रुको तो सही। अरे मुझे माफ करो। ठीक है जा। अरे वकील भाई, अब आगे क्या करेंगे? ये कस्तूरी मर की खुशबू उसके अंदर होती है, लेकिन उसको पता नहीं होता, और वो बेचारा इसी खुशबू की जहाँ तहाँ ढूंढता रहता है। तुम भी अगर आसपास देखोगे तो अच्छा लड़का मिल जाएगा। हिरन कहाँ है? हिरन बैठ जल्दी गाड़ी में। शादी के बाद तो इसको जहर देके मार दूंगा। सिर्फ इसीलिए तो मैं कभी कभी पापा बोलता हूँ, नहीं तो कुछ और बोलता हूँ। अब उनको आगे क्या करना है? अब अगर लड़की अपना स्वभाव बदलेगी तो ही मैं उसके लिए लड़का ढूंढ पाऊंगा। आयला, हेलो। हेलो, उचिता कुमारी से बात हो सकती है? आप कौन? उनसे बोलो, वकील का फोन है। ठीक है। अरुण यहाँ आओ। क्या हुआ? वकील का फोन है। अच्छा, वकील का फोन है। हेलो, मैं उचिता कुमारी। हम इतने समय से फोन पर चैटिंग कर रहे थे, क्या हमें कहीं मिलना नहीं चाहिए क्या? हम काम के बारे में बात करेंगे। सर आप 1 घंटे बाद फोन करेंगे, अभी कस्टमर है। ओके, बाद में कॉल करूंगा।
अब ये नया बकरा कौन है? मैंने बताया था ना, मेरा नया फेसबुक फ्रेंड। हाँ। लेकिन अब वो मिलना चाहता है। हाँ। क्या करना चाहिए? अगर उससे पैसे मिल सकते हैं तो उसे छोड़ना मत। एक महीने का भाड़ा भी निकल जाए ना तो निकाल लेना उससे। तो फिर मिलने जाऊं? हाँ जाना। वकील ने जैसा कहा है वैसा ही करना, और उस लड़की को कैसे भी करके ऐसा बनाने की कोशिश करना कि वो लड़कियों वाले चाल चलन सीख जाए। ठीक है अंकल। बहुत अच्छे। अगर तुम मुझे अपना बायो डाटा दोगी तो मैं तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ दूंगा, कैसा रहेगा? मुझे भी कोई जल्दी नहीं, जब करनी होगी तो बता दूंगी। ओटो भैया कितने पैसे हो तुम्हारे? कितना हुआ? 100 रुपए। ये लो जाओ जाओ जाओ, चलो चलो चप्पल ही उतार दो, आओ। नमस्कार। ये चिनिमा आंटी है ना, मुझे पता है, वकील अंकल ने मुझे सब कुछ बताया था आपके बारे में। वकील? ये मुझे हमेशा वकील ही बुलाती है। कौन है ये लड़की? ये मेरे चाचा की लड़की है, यहाँ एक इंटरव्यू के लिए आई है। उसे कुछ दिनों के लिए यहाँ रहने की जरूरत है। पूरे शहर में बस यही एक घर है जहाँ मैं इसे भरोसे से रह सकता हूँ। प्लीज मेरी मदद करनी। हाँ तो तुम्हारे पास कोई घर नहीं है क्या? मैं तो मंदिर में रहता हूँ। ओहो, रानी हो ना? जितना सुना था उसे कहीं सुंदर हो। तू इसका बुरा मत मानना, ये लड़कियों जैसी नहीं है, ये कुनामू की चचेरी बहन है, कुछ दिन रहने आई है। ये कोई लॉज है क्या? ये लड़की यहाँ इंटरव्यू देने आई है। तुझे यहाँ अच्छी लड़की की तरह रहना होगा, नहीं तो। पता है, नहीं तो चिनिमा आंटी बहुत सख्ती करेंगी। ठीक है तो तुम जाओ, तू मेरे साथ आ। क्या हुआ भैया, क्या तुम ये बल्ब बदल दोगे? मैं लगाऊंगा तो सही काम नहीं करेगा, रानी इसे हमेशा लगाती है। मैं उसको बुलाता हूँ, ठीक है ना? क्या रानी मुझसे नाराज हो? मुझे यहाँ इतने दिन हो गए हैं, तुमने मुझसे बात ही नहीं की। मैं तुमसे क्यों बात करूं? क्या हुआ क्या हुआ, ये आवाज कैसी थी? बल्ब लगाते टाइम शॉक लग गया है। ये सब काम किसी और से कराना चाहिए था, तुम्हें करने की क्या जरूरत थी? थैंक्स। क्या तुम अब भी मुझसे नाराज हो? पीला अखबार तुम्हारा है? सर आपके चश्मे की वजह से लग रहा होगा, मैंने तो सफेद पेपर पर ही छपाया था। सर वैसे ये मछली का धंधा करता है। बाप मछली का धंधा करता होगा। मछली और अखबार दोनों का आपस में संबंध क्या है, बताओगे? सर यही कि ये लोग अखबार में मछली पैक करते हैं। मैंने मछली का धंधा बंद कर दिया है। अच्छा, आप वेस्ट पेपर का धंधा शुरू किया है सर, यहाँ से हम वेस्ट पेपर लेते हैं। ये असल में मोहम्मद हाजी की जगह थी, एक दिन वो बेहोश होकर गिर गए और वो मर गए। उसके बाद मैंने ये जगह भाड़े पर ले लिया। शुरुआत में हमने नोटिस बिल वगैरह छापे, अब हमने एक अखबार भी छापना शुरू किया है। इसका नाम सनसनी क्यों? लोग लड़ाई झगड़े खून खराबे की खबरें पसंद करते हैं, इसीलिए मैंने इसका नाम दे दिया जो इससे मेल खाता है। कैसा है सर? तुम अखबार छापने की बिजनेस की आड़ में लोगों को ब्लैकमेल करते हो, क्यों है ना? सर आपको ऐसा किसने कहा है? किसी ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे पुराने अखबारों में थोड़ी छानबीन की। सदा शिवानी की आत्महत्या, उन्हीं आचा फंसेगी। 2 दिन बाद तुम्हारे अखबार ने उस खबर को बदल दिया। सदा शिवानी की आत्महत्या की वजह उसकी पत्नी का टॉर्चर किया जाना। सच बता, असल में क्या हुआ था? वो क्या है सर, इस पूरे एरिया में गुंडे मवालियों का राज चलता है। अगर
अगर हमने ऐसा किया है तो किसी के धमकाने के बाद ही किया होगा सर, हमेशा ऐसा होता है। लेकिन मैं औरो जैसा नहीं हूँ। एक बात याद रखना, इस देश में सबसे ऊपर है देश का संविधान। कोर्ट ही वो जगह है जहाँ से लोग न्याय की उम्मीद करते हैं, समझे? इसलिए अब मैं तुम्हें कोर्ट में पेश करूंगा, भूलना मत। तुम्हें तो पता है हमें रानी बहुत पसंद है ना? हाँ। फिर वो थोड़ी फॉरवर्ड है क्योंकि ज्यादातर समय उसका बैंगलोर में ही गुजरा था। हाँ, थोड़ी नटखट तो है। देख उजिता, हमें उसे अपने हिसाब से बदलना होगा। तुम वहां जितना चाहे रह सकती हो, इससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तुम एक लड़की हो इसलिए तुम उसे अच्छी तरह समझ सकती होगी ना, इसलिए तुम्हें भेजा। सुनो, तुम उसे कभी कभी मेरे बारे में भी बात करना, जिससे उस पर मेरा इंप्रेशन रहेगा। हाँ, जब भी जरूरत होगी मैं तुमसे मिलूंगा, ठीक है? ओके ओके ना। ये क्या, ऊपर वाले ने तुम्हें कितनी खूबसूरती दी है। अच्छा मेकअप और अच्छे कपड़े पहनोगी तो फिल्म स्टार लगोगी। मुझे मेकअप की क्या जरूरत, लड़के तुम्हारी खूबसूरती के कायल हो जाएंगे। मैं किसी को कायल नहीं करना चाहती। रानी ये बताओ, किसी ने तुम्हें प्रपोज किया है? क्यों नहीं, बहुतों ने किया है। क्यों पूछा? कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछा। बहुत हुआ, अब मुझे बहुत भूख लगी है, चलो खाना खाते हैं। तुम जाके खा लो, मुझे भी भूख नहीं। क्यों नहीं, चलो साथ में खाते हैं। वैसे इतना ही नहीं, आज के बाद हम इस रूम में एक साथ ही सोएंगे। हाँ? अरे यार, वो तो बहुत ही मस्त है, तू उसके साथ एक ही कमरे में रह रहा है। उफ, भाई तू तो बहुत लकी है, मुझे तो सुनकर ही बहुत मजा आ रहा है। अगर तू ऐसे खड़ा रहा तो यही कुछ हो जाएगा। भाई मुझे उसे देखना है यार, उसे लेकर के आना। इसमें रिस्क है यार। ऐसा रिस्क? वो बहुत ज्यादा तेज है, उससे दोस्ती तो कर सकते हैं लेकिन उसके करीब नहीं जा सकते। शिष्ट, मैं तो खाली सपने देख रहा था। मैंने सुना है उनी यारचा की सारी दौलत उसी के नाम पर है, इसीलिए तो वकील उसके पीछे पड़ा है। कल उससे मिलने के लिए चलना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, लेकिन उजिता कुमारी बनकर नहीं। ओह, अरे ये सब बाउंस हुए चेक के नंबर और अमाउंट है। अच्छा, मुझे इस केस को कोर्ट में पेश करने के लिए कम से कम एक हफ्ते तो चाहिए। आपको सोना गिरवी रखकर सिर्फ उन लोगों को ही पेमेंट देना चाहिए जो रीपेमेंट कर सके। अगर वो पैसे नहीं लौटाएंगे और हमने उनकी प्रॉपर्टी को सील कर दिया तो वो हम पर पत्थर मारेंगे ना? लेकिन सर, नहीं 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 नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं। अब वो आएंगे तो मैं क्या बोलूं? वकील, मेरी बहन कहाँ है? गिरवी रखा हुआ रिसिप्ट है क्या? कहाँ छुपा के रखा तूने उसे, जल्दी बता। बहन कौन है? बेतो कौन है? मैं उसी का भाई उदय हूँ। नमस्ते सर, ये सारे लोन एग्रीमेंट लॉकर में है ना, वो सब लेकर मेरे ऑफिस में आ जाना। अभी? फिर कभी। जाओ बैठो बैठो, दो चाय लाना। ये मनी पार्टी के आदमी है। क्या तुम उसके भाई हो? हाँ। तुम्हारा फेस कट काफी मिलता है। हाँ भाई है ना, इसलिए। ये उचिता एक सेफ जगह पे है, दो दिन में आ जाएगी। तुम अभी जाओ और उसे बोलो कि उसकी अभी मुझे जरूरत है। नहीं भाई, तुम ऐसा कह सकते हो, अभी कैसे आएगी? तो फिर 25,000 रुपए दो। नहीं दूंगा। नहीं तो मैं तुम्हारे इस कारनामे के बारे में सब जगह खबर फैलाकर तुम्हारी ऐसी तैसी करवा दूंगा, फेसबुक व्हाट्सएप और आईएमओ पर सब जगह। हाँ। इसीलिए पैसे दे दो। सच में तुम्हारी अपनी बहन है? हाँ। गिनने की कोई जरूरत नहीं है, हम इसे गिन लेंगे। तो हम लोग जाते हैं। हाँ, ये भी दे दो। ओके चलते। चाय कैंसिल। मैनेजर कहाँ है? वो लोन एग्रीमेंट लेने के लिए बैंक गए हुए हैं। ये कौन थे? तुम्हारे लिए चाय बोलूं? एक चाय नहीं चाहिए। चाय कैंसिल। कौन थे ये लोग? ये उचिता का ब्रदर है, सोना गिरवी रखने आया था। क्या हुआ? वो नया एसआई प्रिंटिंग प्रेस में गया था, वो केस को दोबारा इन्वेस्टिगेट कर रहा है। मैंने उस एसआई गोपाल को 1,00,000 रुपए दिए थे आत्महत्या के लेटर को जलाने के लिए, तो उसे सबूत कैसे मिल जाएगा? हमें संभल कर रहना चाहिए। क्या नाम है उस मरे हुए आदमी की पत्नी का? शांता। हम उसे हमारे खिलाफ गवाही नहीं देने देंगे। उदय भाई बहुत गरीब थे,
वो पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छे थे। कॉलेज टाइम में एक सोना नाम की लड़की से उनका अफेयर था, पर वो किसी और के साथ भाग गई। तब से उन्हें हर लड़की से नफरत ही है। वो बहुत हैंडसम लगता है, वो मुझे हर नजरिए से पसंद आया। मैं बहुत से लड़कों से मिली, लेकिन जब मैंने उसे देखा तो मुझे थोड़ा अलग लगा, थोड़ा हटके। वो नहीं बदलने वाला। हाँ? मेरा मतलब ये ख्याल मन से निकाल दो, मेरे भाई को अकेला छोड़ दो। नहीं यार, मैं सीरियस हूँ। ओहो, तो क्या ये फीलिंग तुम्हारे अंदर भी है? लेकिन एक परेशानी है, अगर तुम ऐसे जाओगी तो मेरा भाई इम्प्रेस नहीं होगा, वो थोड़ा हटके है। तो आज के बाद तुम मेरी बात मानना, उसे इम्प्रेस करने के टिप्स मैं तुम्हें दूंगी। क्या हुआ सर? आप सदाशिव नायर की पत्नी हैं? जी, मैं ही उनकी पत्नी हूँ। मैं आपसे केस के बारे में पूछताछ करने आया हूँ। क्या आपके पति ने कर्ज की वजह से? जी हाँ। क्या उन्होंने उन्नी अर्चा के डर से आत्महत्या की? चिट्ठी में ऐसा लिखा उन्होंने? मुझे इसके बारे में पता नहीं है सर। आपको किस बात का डर है? क्या सर, आप यहाँ आकर मुझसे ऐसे सवाल जवाब पूछोगे और गलती से मेरे मुंह से कुछ निकल गया तो मैं परेशानी में फंस जाऊंगी। जो गया वो गया, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। कुछ तो करना होगा। भाई, क्या यार ये भेस बदल कर फंस गया? तुझे पहले बताया था ऐसा मत कर, मत कर। बेकार आइडिया। वो आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी? हाँ, लड़कियां वैसे भी टाइम पर कहाँ आती हैं? हाँ? वो आ गई। भाई देख कैसे टसन में आ रही है। आई गई यार। हाँ? अरे थोड़ा कंट्रोल कर। इन दोनों में से कौन सी ड्रेस पहनना चाहोगी, ये वाली या ये वाली? पर ये अच्छी लगेगी। भाई उसकी साड़ी कैसी है यार? उसने साड़ी पहनी नहीं है। भाई साड़ी में नहीं है तो क्या बिना कपड़ों के? क्या लड़की बिना कपड़ों के आती है क्या? ये देखना है? उसने पैंट पहन रखी है। पैंट? पैंट? तुम्हें चलने के स्टाइल पर भी बहुत ध्यान देना होगा। कमर मटका कर चलना। उसके चलने का स्टाइल कैसा है? भाई वो तो सांड की तरह में मारने आ रही है ऐसा लग रहा है। वो हमारे बहुत करीब आ गई है, हिम्मत रखना। हेलो, मैं तुम्हारी बहन की फ्रेंड हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है जरा। इसमें क्या? चलो। तुम्हारी जरूरत नहीं है, चलो। भाई सुन। हाँ तो? तू रुक। जब उसके पास जाओगी तो प्यार से बात करना, उससे पूछना क्या मैं आपसे कुछ बात कर सकती हूँ। परिवार में घुसकर ऐसा करने की तुझे पता है मैं कौन हूँ? परिवार? क्या ये परिवार है?
ये तो गुंडों का अड्डा है। हाँ है तो, और मैं हूँ इस गैंग की फूलन देवी। जेम्स, मैं तुझे मार दूंगी। चिनम्मा, रुको जरा, मैं बात करता हूँ। कसम से कह रहा हूँ, तुझे ये जिंदा नहीं छोड़ेगी। तो बता दे, तेरा मकसद क्या था? मुझे पूछने की जरूरत नहीं है। ए वकील, मुझे यहाँ आने के लिए तुमने ही कहा था ना? क्या क्या? मुझे पता नहीं था ये आदमी है करके। मैंने अगर इसे यहाँ बुलाया तो इसके पीछे एक बड़ी वजह है। अभी बोलो ना ये गन्नी से करने के लिए। इसे दूर रखो तुम। जल्दी हटाओ ना, नहीं तो मुझे मार देगी। अब इसने मुझे कहा कि ये उसका भाई है और मुझे झूठ बोल के इसने 25,000 रुपए मुझसे हड़प लिए। मैंने ये सब रानी के लिए किया है। मुझे अब खुद पर शर्म आ रही है। किसी को सिर्फ देख कर थोड़ी परखा जा सकता है कि वो कौन है। तू परेशान मत हो, इन सब के लिए मुझे माफ कर दो। लेकिन तुम्हारे लिए मेरा प्यार बिल्कुल सच्चा था। तुम्हारे सच्चे प्यार की किसी को जरूरत नहीं। अभी इसे यहाँ कुछ अच्छा करने के लिए भेजा था, इसने तो सब बेकार कर दिया। अब अगर बाहर के लोगों को पता चलेगा कि ये फ्रॉड आदमी रानी के साथ उसके ही कमरे में इतने दिन तक रहा, तो रानी के लिए सारे अच्छे रिश्ते तो बंद हो जाएंगे ना। नहीं हाँ, अगर आप सभी राजी हो तो रानी की शादी अभी भी अच्छे आदमी से हो सकती है। ये रानी से शादी करेगा। थैंक यू बाबा जी, थैंक यू। ये लड़का, यही ये डाकू बदमाश जो भी हो, इसी से रानी की शादी होगी। हाँ, रानी को इसी से ही शादी करके साबित करना होगा कि ये लड़का गलत नहीं है। ओ, इसके सही गलत पे क्या फर्क पड़ता है? आप लोग इतने जल्दबाजी में फैसला मत लो। हाँ। जब यहाँ पे मेरे जैसा जेंटलमैन आदमी खड़ा हो तो रानी के लिए झूठा और फरेबी आदमी क्यों चाहिए? रानी के लिए मुझसे अच्छा थोड़ी है। चुप रह। तू बता बेटी, तू शादी करना चाहती है या मैं इसे मार दूं? ये मुझे पसंद है। शादी का जश्न तो बहुत अच्छा रहा, मैं तो बहुत झूम झूम करना चाहता हूँ। लेकिन अभी भी मेरे मन में कुछ अधूरा सा है कि हम अपने कुछ रिश्तेदारों को निमंत्रण नहीं दे पाए। वो कुन्नू मिल, शांता, ओटा मलन, वो मामा और वो। तो हम उन्हें दूसरे की शादी में बुला लेंगे। हैप्पी मैरिड लाइफ। थैंक यू। मैं शादी में तो आना चाहता था लेकिन बिना निमंत्रण के, इसीलिए आ जा रहा हूँ। नहीं नहीं, क्या बात हुई, बहुत से लोग तो बिना निमंत्रण के ही आए थे। सही कहा। उन्हीं अर्चा हैं क्या? अभी बुलाता हूँ। यहाँ हूँ मैं। क्या है? मैं तुम्हें लेने आया हूँ, महिला पुलिस भी साथ है। कहाँ? सरकार ने बेऊर और पूजापुरा में कुछ कमरे बनवाए और मैंने तुम्हारा ख्याल रखा। मैंने तुम्हारे लिए कमरा बुक करवा दिया। ये सदाशिव नायर का सुसाइड नोट है। क्या सर, कागजों के मुताबिक मेरी पत्नी चिनम्मा एक कंपनी में काम करती है और अपना साधारण जीवन गुजर बसर कर रही है, और सही मायने में उस कंपनी की एमडी हमारी बेटी रानी है, और इसीलिए आप चिनम्मा के खिलाफ कोई भी केस दर्ज नहीं कर सकते हैं। फिर तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक रास्ता है। मैं इस लड़की को अपने साथ ले जाता हूँ। वैशाली, देखा। वैशाली, कहाँ जा रही हो? वहीं रुको, तुम उसे अरेस्ट नहीं कर सकते। जैसे रानी बेटी एमडी है, वैसे ही मैं भी उस कंपनी का एमडी हूँ। पीछे हटो। रोको मत इसे, इनके पुलिस स्टेशन पहुँचने से पहले ही मैं अपनी बेटी को बाहर ले आऊंगी। तो ठीक है। जब वो नहाने गई थी, अब तुम्हारे बारे में एक भी शब्द नहीं लिखूंगा। अरे तुम हो, मैं सोचा कोई परेशान करने के लिए फोन कर रहा होगा। मैं वहाँ शुक्रवार शाम से पहले ही पहुँच जाऊँगा, ठीक है ना? हैं? क्या उसने तुमसे पैसे मांगे? तो ठीक है, उसे थोड़ा परेशान करते हैं। मुझे उसकी फोटो जरा व्हाट्सएप करो, मैं उसे अभी दिखाता हूँ। दुकान के मालिक का ये रहे तुम्हारे पेपर। क्या तुम इसे बेच कर नहीं आए? मैं चिल्ला चिल्ला के तंग आ गया। कोई मसालेदार खबर तो है नहीं, कौन पड़ेगा इसे? मुझे झूठ मत बोल, अपनी जेब दिखा, उसमें जरूर पैसे होंगे, दिखा। नहीं, सच कह रहा हूँ, नहीं है। ये कौन है? पापा की फोटो है, इसे राशन की दुकान पे देना है। सच में तेरा पापा है? क्या है? तो फिर आज मुझे गर्मा गर्म कहानी मिल गई। 170 साल का, 7 महीने का, 7 महीने, 7 साल, 7 महीने का होगा। हाँ, 170 साल का आदमी 7 महीने के बच्चे का रेप किया जब वो स्कूल से आ रहा था। यहाँ तो इसे एक अच्छी खबर है, उसे पेपर में छापो कि एक बच्चे ने मालिक को मार डाला। किसे मारने की बात हो रही है? कुछ नहीं, हम तो बस खबरों के बारे में बात कर रहे थे। तुम जाओ। अच्छा, तो तुम्हें खबर चाहिए, लो ये लो।
आप इसे बंद करा रहे हैं। तुम्हारा अखबार अब ये खबर छापेगा, ये सुबह छपना चाहिए। मैं ये नहीं छाप सकता सर। अगर तुम नहीं छापोगे तो मैं तुम्हें फंसाऊंगा, बाकी तुम मुझे जानते हो। हे भगवान, मैं भी इसमें फंस गया, ऐसा किया तो मेरा ये पोस्टर बना देगी, अब जो होगा देखा जाएगा। ताजा खबर, ताजा खबर, उन्हीं अर्चा चिटफंड लेके भाग गई। ताजा खबर, ताजा खबर, उन्हीं अर्चा चिटफंड लेकर भाग गई। चाहिए अंकल? ताजा खबर, ताजा खबर, उन्हीं अर्चा चिटफंड लेकर भाग गई, 5 रुपए का। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, मुझे माफ कर दीजिए, ये मैंने जानबूझकर नहीं किया है। एसआई ने मुझे ऐसा करने को कहा था, मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। किस मकसद से ये खबर अखबार में छपाई? नई नवेली दुल्हन को पुलिस ने अरेस्ट किया, इसमें गलत क्या? पत्रकारों को खबर चाहिए और हमें उन्हें खबर देनी पड़ती है। मैंने इस बारे में नहीं पूछा, हमारी कंपनी के बारे में गलत खबर क्यों फैलाई, क्यों किया ऐसा जिससे हमारी कंपनी में ताला लग गया। ये खबर वापस लो वरना मैं तुम्हारा ऐसा हश्र करूंगी। अगर हिम्मत है तो करके दिखाओ। ऐसा है, तुम जो चाहे कर लो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे हल्के में लेने की भूल मत करो। अभी तो ये खेल शुरू हुआ है, तुम्हारा अंत तो देखना बाकी है। सर, अब इनकी चिटफंड की कंपनी कभी नहीं खुलेगी। लेकिन तुम इतने खुश क्यों? वो क्या है कि मुझे इनके पैसे नहीं लौटाने होंगे ना। बेचारे। से भेज दूंगा, उसके बाद ही तुम जाना यहाँ से। कुछ दिन बाद मैं अभी वहां आ जाऊंगा, अब मैं चलता हूं। हॉस्पिटल में है। क्यों, क्या हुआ उसे? मुझे भी नहीं पता, ऑपरेशन करना पड़ेगा बोले, लेकिन काफी पैसे लगेंगे। ठीक है, मैं आऊंगा, तो जा। देख, अगर इस औरत को पता चल गया कि तू मेरा बेटा है और मेरी एक और पत्नी है तो वो मुझे मार डालेगी बेटा। जब तक आप नहीं आओगे मैं नहीं जाऊंगा। तो फिर तू एक काम कर, टाउन में मंदिर के पास एक कृष्णा लॉज है, तू वहां एक कमरा लेकर रुक जा, उन्हें मेरा नाम बता देना, और जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा मैं भी साथ चलूंगा। अब तो जा। ठीक है। आज मैं तेरी टांगे ही काट दूंगी, समझ गया ना तू? फिर तू रेंगते हुए जाना उस बच्चलन के पास। ए, तेरे लिए मैं बस एक गुलाम, पर मुझ में प्यार और अच्छाई की भावनाएं हैं। तुझ में ये सब है क्या? तू भी कोई इंसान है?
ए, कोई भी पत्नी अपने पति की दूसरी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ मैं तेरी टांग काट कर तुझे उसके साथ भीख मांगते देखूंगी। तो चला काट, अगर तू मेरी टांग भी काट देगी तब भी मैं भीख नहीं मांगूंगा। मेरा बेटा मेरी ऐसी नौबत नहीं आने देगा, चाहे इसके लिए उसे मजदूरी क्यों न करनी पड़े। लेकिन ऐसी हालत में तेरा क्या होगा ये सोच, तू सड़ी गली रोड में भटकेगी, गली का कुत्ता भी तुझे सूंघकर नहीं जाएगा। हमारी 40 साल की शादीशुदा जिंदगी में मुझे हमेशा तेरे सामने झुक कर रहना पड़ा है। मैं भी तो एक आदमी ही हूँ। एक पति अगर अपने मार्ग से भटकता है तो उसकी वजह उसकी पत्नी ही होती है। चल जा, जा। चल। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, चल छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मैंने कहा चल। ये पैसे ले और अपनी माँ का ऑपरेशन करा या जो तेरी मर्जी करे कर, लेकिन दोबारा दिखना मत। तुम्हारे ये पैसे का मुझे कोई जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ मेरे पापा चाहिए। तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं अपने पापा को लेके जाऊंगा। ए लड़के, तेरी माँ किसी अमीर आदमी से प्रेग्नेंट हुई और उससे बचने के लिए झूठी कहानी बनाई उसने। उससे तुम्हारा रिश्ता सिर्फ ये मंगलसूत्र की वजह से है, लेकिन मेरा उनसे खून का रिश्ता है, कोई भी अदालत इसे नकार नहीं सकती। तो तूने पूरी योजना बना ली है, लेकिन तेरे लिए अच्छा होगा कि तू चिनम्मा से उलझ मत, तू जिंदा नहीं रहेगा, याद रखना। पानी मत देना इसे, बड़ा आया बाप को ले जाने वाला। प्यारे बच्चे, लेकिन तंबाकू ने सब कुछ बदल दिया। अब इस फैलते हुए कैंसर को मेरे चेहरे से काटना पड़ेगा। कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 01122901701 पर। मेरा बेटा, समाचार में ऐड करो। मेरा बेटा। इसका मर्डर कैसे हुआ इसकी आप पूरी तरह जानकारी निकालिए सर। तू मुझे अकेला छोड़कर कैसे चला गया? तूने क्यों किया ऐसा? तूने उस बेचारे बच्चे को क्यों मारा? इंसानियत नाम की चीज नहीं है तुझमें। छोड़ मुझे। इसे पीछे लेकर जाओ। छोड़ दो मुझे। अब हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। मैंने उसे सच में नहीं मारा है। अब मैं तुम्हें सीधे कोर्ट में पेश करूंगा, बाकी तुम्हें जो भी कहना है वो मजिस्ट्रेट के सामने कहना। अच्छा सुनो, मुझे कुछ गवाह के तौर पर लोग चाहिए जिन्होंने इसे उस लड़के को ले जाते देखा। जिन लोगों ने देखा है मैं सबको बुलाऊंगा। वैशाली, इसे जीप में डालो। इसका क्या करें सर, ये तो किसी भी तरह से मान नहीं रही है। ये बढ़िया, बेहतर होगा तू जल्दी से कबूल कर ले, हमारा दिमाग खराब मत कर। तूने अपने पति के बेटे की हत्या की, ये बात तो अब साफ हो चुकी है, लेकिन हमें एक बात जाननी है, ये काम तुमने अकेले किया या फिर गुंडों से करवाया? जल्दी बताना। सब मैंने ही किया, उन सबको छोड़ दो। वो सब बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने तुम्हारे नए दामाद को लाने के लिए कुछ लोग भेजे। तुम ये मत सोचना कि तुम बाकी केसों की तरह इस केस में बच जाओगी। इस बार ऊपर वाला भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा, क्योंकि मेरे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। तुम्हें अंदर करवा करूंगा।
देखो चार्ज शीट भी रेडी है। मनु को मारने के इरादे से तुमने गुंडों का इस्तेमाल करके उसे जबरदस्ती अपने घर में रखा और फिर उसे मार दिया। ये केस हमने तुम्हारे खिलाफ चार्ज किया है। क्यों सुन लिया? अब तुम इस पेपर के ऊपर साइन कर दो। नहीं, मैंने किसी का खून नहीं किया। सर लगता है इतनी जल्दी नहीं मानेगी ये। चलो वैशाली को बुलाते हैं, वो इसे अच्छे से समझाएगी। नहीं नहीं नहीं, वैशाली इसे देखकर डर जाती है। मैंने किसी ऐसे को बुलाया है जो इससे इसके गुनाह कबूल करवाएगा। जानकी, जानकी मुझे साइन चाहिए। बहुत मार रही है। ये दो लोगों को जान से मार चुकी है। उसमें से एक मंत्री का आदमी था, उसे इतना मारा कि हार्ट अटैक से मर गया वो। सर साइन करवा लिए हैं। उसकी हालत कैसी है? बहुत मजबूत है सर, बहुत ज्यादा रेसिस्टेंट पावर है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें बुलाया है। सर ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ये मैंने आपके लिए किया है बस। अरे नहीं, एनीवे थैंक्स, अगर जरूरत पड़ी तो दोबारा बुलाऊंगा। ऑफ कोर्स। ओके। दस बीस फीट लंबा काला रंग, मुझे बताया था कि मैं खतरनाक हूं, ऐसे कैसे हो सकता है? दस तीस फीट लंबा, वो तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। अब कैसे बताऊं, अगर मेरे पास तंबाकू है तो बीस फीट लंबा काला रंग, ये तो बहुत खतरनाक है, लेकिन अब करूं तो क्या करूं, सोचना पड़ेगा। इस भरी दोपहर में भला मुझे कौन मार सकता है? वो चीज कम से कम 32 फीट तो लंबी थी। किसी ने देखा क्या? नहीं देखा। अच्छा, इसलिए मैंने तुम्हें ये रास्ते से बुलाया। बेल मिलना बहुत मुश्किल है, मैंने इसलिए किया क्योंकि इनके भाई ने कहा। थैंक्स। चलो चलते हैं। हम चलते हैं। जरा रुको, तुम्हारा अभी प्लान क्या है? अभी हमने कुछ सोचा नहीं है। अब इसकी सिचुएशन बहुत ही खराब है। कल तक इसके पास सब कुछ था, लेकिन अब इसके पास कुछ भी नहीं है। इसकी सिनेमा एंटी नहीं है, चिटफंड कंपनी नहीं है, रहने के लिए घर तक नहीं है, और इसके अलावा इस सिचुएशन से बचने के लिए कोई रास्ता भी नहीं है तुम्हारे पास। मैं समझी नहीं। कैसा था तुम्हारा बर्ताव जब मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा? अब तुम जरा याद करने की कोशिश करो, सारी परेशानियां उसी दिन शुरू हुई ना। सदाशिव नायर का सुसाइड नोट दोबारा मिलना, चिटफंड कंपनी बंद होना, तुम उसकी मालकिन थी इसीलिए पुलिस ने तुम्हें अरेस्ट किया। यही होगा अगर मुझसे पंगा लिया। क्या? तो तुमने किया ये सब? मनु के मर्डर केस में उन्नी आशा के बदले में तुम्हारे पति को भी अंदर कर सकता हो, उसके बाद तो तुम्हारे पास पति भी नहीं होगा। देखो साथियों, पुलिस और वकील से कभी पंगा मत लेना। ये लो। ओ जय सर, क्या खाना है तुम्हें? जय सर, मैं मोहिदीन हूँ। तो मैं तुम्हारे लिए मोहिदीन लाता हूँ।
मजाक कर रहे हो क्या? अरे उस पर गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, इसके पास एक मिठाई है जिसका नाम मोहितीन है। क्या बकवास कर रहे हो? ये लो। ये तो बस एक लड्डू है। हाँ है, लेकिन आज की नई पीढ़ी को अट्रैक्ट करने के लिए शिवर भाई ने इसे नया नाम दिया है। अच्छा आइडिया है ना, है ना? अरे वो गया था ना कोचेटन, वो आया कि नहीं? नहीं आया। ऐसा सुनने में आया कि वो अपनी दूसरी घरवाली के साथ है क्या? वैसे वो भी एक कलाकार ही था जो सबको हंसाता था। अब उसके जीवन में ऐसी ट्रेजेडी आ गई, ना घर ना परिवार और लड़की के साथ भी समस्या। मैंने सुना वकील एक पेपर में अर्जी देगा और उसकी बेल करवाएगा। पेपर में अर्जी? पेपर में नहीं, पेपर में अर्जी। ऐसा है, ये अर्जी कोर्ट में ये दिखाने के लिए दी जाएगी कि विनती करने वाले के पास अभी कुछ भी नहीं है और वो लोगों के पैसे नहीं चुका सकती। हाँ, सही कहा तुमने। हाँ। अरे मास्टर, जिन बच्चों को तुमने पढ़ाया वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए, तुम वहीं के वहीं हो, इसलिए ज्यादा मत बोलो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। जीवन भाई ऐसा मत बोलो, आपने देखा है ना कि बहुत सारे रॉकेट अंतरिक्ष में जा चुके हैं, लेकिन जिसने उसे भेजा वो अभी तक नहीं गया। सही कहा। जैसा। एक और मोहिदीन देना। मोहिदीन खत्म हो गया, अब पुली मुर्गन मिलेगा। पुली मुर्गन? पाइम पुरी। कल बेल की एप्लीकेशन दे दी है, अगर उसे बेल मिल गई तो मेरी सर्विस में ब्लैक मार्क लग जाएगा। आप प्रार्थना कीजिए। ईश्वर हमें पापियों को माफ करने के लिए कहता है। मैं कभी किसी की मौत की सजा के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। फादर, आप जानते हैं क्या, ये मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट केस है। जहाँ तक मैंने सुना है वो बिल्कुल बेकसूर है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं फादर, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं। ये काम उसने ही किया होगा, उसका कैरेक्टर ही ऐसा है। ठीक है ठीक है, लेकिन उसे इसीलिए मत फंसाओ क्योंकि तुम्हारी उससे पुरानी दुश्मनी है। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा फादर। हमारा कानून सबूतों पर निर्भर है, लेकिन हमें ईश्वर पर निर्भर होना चाहिए, नहीं तो बाद में ये सोचकर अफसोस होता है कि बेवजह अपराध हो गया। तुम मेरे कहने का मतलब समझे? तुम्हें बाद में अफसोस नहीं होना चाहिए, मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा। ईश्वर की कृपा हमेशा बनी रहे। ईश्वर अच्छा ही करता है। मथाई, तुम्हारे बेटे की शादी का क्या हुआ? वो शादी नहीं हो सकती। क्यों, क्या हुआ? वो लड़की मेरे बेटे से 2 साल बड़ी है। तो फिर तुम ये शादी 2 साल के बाद करवा देना। ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। सही कहा। हाँ, क्रिश्चियनिटी में इसके जैसे बहुत लोग हैं। तो तुम क्या समझे, वो एक मंद बुद्धि है, लेकिन तुम जैसे पढ़े लिखे और सिंसियर लोगों को मथाई की तरह नहीं होना चाहिए। हे ईश्वर, अब मुझे जाना होगा, नहीं तो पता चलेगा कि कुछ लोग चर्च से हमारे परमेश्वर को चुरा ले गए। इंडियन पैनल कोड के धारा 312 के तहत अदालत ने तुम्हें दोषी पाया है, इसलिए अदालत तुम्हें उम्र कैद और 10,00,000 रुपए जुर्माना भरने का आदेश देती है। अगर तुम जुर्माना नहीं भर पाते तो तुम्हारी सजा 4 साल और बढ़ा दी जाएगी। अब ये अदालत बर्खास्त की जाती है। सजा काटते समय जेल में याद करने के लिए कुछ तो होना चाहिए, इसलिए मेरे पास तुम्हें बताने के लिए अच्छी खबर है। तुम्हें याद होगा, तुम्हें याद होगा वो पुलिस वाला वासु पिल्ला, जिसे एक औरत ने सरेआम पीटकर उसकी बेइज्जती की और उसने आत्महत्या कर ली थी। मैं उसी का बेटा हूं। मैंने 20 साल अनाथ आश्रम में गुजारे हैं। ये सजा तो बहुत कम है। अपने पिता की मौत के बाद मैंने ये कसम खाई थी कि ये वर्दी किसी भी तरह हासिल करूंगा, और तब से मुझे इसी पल का इंतजार था। अब मैं बहुत खुश हूं। तुमने ऐसी गलती की कि तुम्हें पकड़ने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। मिलते हैं। नमस्कार सर। बात क्या है? सर, आपके लिए एक अर्जी है। गांव में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनियारचा के बदौलत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं सर। वो सब उनियारचा को अपना भगवान मानते हैं सर। तो फिर उनियारचा ने किसी का खून नहीं किया है सर। लोगों की विनती है कि पुलिस को नियारचा को रिहा करके मनु के असली कातिल को ढूंढना चाहिए।
ये केस कोर्ट में है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप अच्छी तरह से छानबीन करेंगे तो केस बाहर आएगा। तो सुनो, ऐसे बहुत सारे केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें नेता कातिल को बचाता है, जेल में डाल दूं क्या? नहीं सर, चलो चलो सब लोग चलो यहाँ से। पिताजी की आत्मा को शांति मिल गई होगी। आप परेशान क्यों लग रहे हैं? आज मेरे जीवन में सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। आज के दिन तुमने अपने सबसे बड़े दुश्मन को सजा दिलवा दी। आज के दिन मैं जीत गया। चलो आओ चलते हैं। पुराने दिनों की तरह अनाथ आश्रम के लिए कोई अब दान नहीं करता। अच्छे लोगों की मेहरबानी से ही आज हमारे बच्चों की परवरिश ठीक से हो रही है। अच्छा तो बताइए फादर, मैं क्या कर सकता हूँ? अगर तुम कर सकते हो तो एक या दो बच्चे को स्पॉन्सर करो। तुम्हें भी इसी तरह किसी ने स्पॉन्सर किया था, लेकिन वो चाहता था कि तुम्हें उसके बारे में पता ना चले। फादर ये तुम अभी तक अपनी परछाई से ही लड़ रहे थे। तुमने जो खाना खाया, तुमने जो किताबें पढ़ी, यहाँ तक कि जिस वर्दी के काबिल तुम बने हो वो भी उसी की देन है। तुम्हें याद है उस दिन मैंने क्या कहा था कि एक दिन तुम्हें अफसोस हो सकता है? तुम्हें एक बात का पता है, उस दिन वो तुम्हें वर्दी में देखने के लिए वहाँ भी आई थी जिस दिन तुम ट्रांसफर लेकर चर्च में मुझसे मिलने के लिए आए थे। जैसा कि तुम सोचते हो वो कोई क्रूर औरत नहीं है। उसने गलती नहीं की, उसने तुम्हारे पिता को इसलिए पीटा क्योंकि वो उसी के लायक थे। वो बहुत गलत आदमी थे। उन्होंने तुम्हारी माँ पर बहुत अत्याचार किया। उनके अत्याचार की वजह से ही तुम्हारी माँ मरी। तब तुम सिर्फ 7 साल के थे। तुम्हारे पिता के पास पैसे नहीं थे, तब इसी औरत ने सहायता की थी और तुम्हारी माँ का अंतिम संस्कार हुआ था। तुम्हारे पिता पुलिस वाले थे लेकिन स्वभाव से बहुत ही क्रूर और बुरे इंसान थे। तुम्हारे पिता शराबी थे और तुम्हारे चाचा को हमेशा वो पीटते रहते थे। एक दिन चिन्नम्मा ने तुम्हारे पिता से अपने पति को छोड़ने की विनती की लेकिन तुम्हारे पिता नहीं माने। आखिर में अपने पति को बचाने के लिए चिन्नम्मा ने उनके ऊपर हाथ उठा दिया। इस बात से अपमानित होकर तुम्हारे पिता ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके बाद उसने तुम्हें गोद लेना चाहा, लेकिन लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया तो चिन्नम्मा ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया। तुम्हें जानकारी दिए बगैर वो तुम्हारी देखरेख कर रही थी, तुम्हें पाल पोस रही थी। उसके बाद भी तुमने उसके प्रति इतनी क्रूरता दिखाई। मुझे पता है कि तुम यहाँ किस लिए आए हो। क्या फादर ने तुम्हें सब बता दिया? लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अब मैंने इस जगह को स्वीकार लिया है। मुझे सजा मिली है क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें अनाथालय में रहना पड़ा। नहीं माँ, मैंने गलती की है। मैं आपको यहाँ से बाहर निकाल के रहूंगा। मैं पहले सबके लिए चिन्नम्मा थी, फिर आर्चा, उसके बाद उनियार्चा। अब तुमने मुझे माँ कहकर पुकारा है, यही वो शब्द है जिसे मैं सुनना चाहती थी। बहुत खुशी हुई, मन को सुकून मिला। ये सच है, मेरे पति ने उन्हीं आर्चा कंपनी से लोन लिया था लेकिन वो उसकी धमकी की वजह से नहीं मरे। मेरे पति बहुत बुरे आदमी थे सर, वो हमेशा गलत काम करते थे। दारू पीना, जुआ खेलना, सारी की सारी गंदी आदतें थी उनके अंदर। मैं एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ क्योंकि उन्हीं आर्चा ने मदद की है मेरी, जिससे मैंने रोज
रोजी रोटी कमाई। मेरे पति की जुआ खेलने की आदत से छुटकारा दिलाने के लिए हम लोग उनियारचा के पास गए। उन्होंने कहा कि अगर जुए का अड्डा ही बंद कर दिया जाए तो मेरा पति जुआ नहीं खेलेगा, इसलिए उनियारचा ने हमें वो पैसे दिए जो मेरे पति ने वहाँ जमा किए हुए थे। आपने गलत किया सर, जब आपने उसे मारने को कहा तो मैंने नहीं मारा, इसीलिए नहीं कि मैं डरती हूँ, बल्कि इसलिए कि वो मेरे बच्चों की पढ़ाई का खर्चा उठा रही है। मुझे भी डाउट था कि आप इस केस में उसे दोषी ठहराने के लिए जल्दबाजी कर रहे हैं, और इसी वजह से असली गुनहगार के बच निकलने के चांस काफी बढ़ गए हैं। जिस वक्त क्राइम हुआ उस वक्त कमरा बाहर से बंद था। मैंने उस पर शक इसलिए किया क्योंकि उसी के पास चाबी थी। और फिर इसके फिंगरप्रिंट्स मैच करवा। अगर यह दरवाजा बाहर से बंद था तो यही रास्ता है अंदर जाने का, और चढ़ने के लिए उसने कोई सीढ़ी इस्तेमाल की होगी, लेकिन आसपास कोई सीढ़ी नहीं। सर क्या कोई आई विटनेस नहीं होगा? एक आदमी है जो अक्सर इस मकान में रात को आकर सोता है। कौन है? उसका नाम पूर्ति है, लेकिन कुछ देखने के बाद अब वो पागल हो गया है। कुछ केसेस में पुलिस का ध्यान भटकाने के लिए कुछ मुजरिम ऐसा बिहेव करते ही हैं। पूर्ति, जहाँ कहीं भी हो कस्टडी में ले लो। दस बीस फीट लंबा काला रंग, वो मुझे मारने आएगा और मुझसे कहेगा कि मैं गंधर्वन हूँ। कहेगा ना सर, कहेगा ना सर। अरे क्या बकवास कर रहा है? किसने मारा? बोल, नहीं मारा। किसने मारा? मैंने इसे मारने को कहा। सर ये झूठ बोल रहा है, लगता है इसी ने मारा होगा। सर इन्हें बोलो मुझे मत मारे, मैं सच बताऊंगा। सर पीछे हटो, मैं पूछता हूँ। चला जा। चल बता क्या हुआ था। सर 10 से 100 फीट लंबा नारियल के पेड़ जैसा मोटा, वो मुझे लेने आया था सर। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो काल महाकाल है सर। इसे किसी मेंटल हॉस्पिटल में लेके जाओ। सुनिए सर, फिंगरप्रिंट का रिजल्ट आया है। हेलो, हाँ
ओके। सॉरी, मैं थोड़ा बिजी हो गया था। इस तरह के प्रोग्राम में जाने के लिए मेरा मन नहीं करता है। आप इसके लिए मंत्री या एमएलए को बुलवाइए, उन्हें ऐसे मामले ज्यादा पसंद है। ऐसा मत कहो सर, पिछले एसआई गोपाल सर ने प्रोग्राम में आने का वादा किया था। हाँ बिल्कुल, इसके लिए हमने पैम्पलेट छपवाया, आप प्रोग्राम में जरूर आइएगा। हमारे गांव में एक सर्कस कलाकार है, एनियप पैटन, तो हमें इस प्रोग्राम में उसे भी सम्मानित करना है, आप आइएगा जरूर। ओके। मैं कैसे मना कर सकता हूँ, जब समाज के ऊंचे लोग मुझे बुला रहे हो, मैं आऊंगा। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ए, हमें जल्दी से पोस्टर लगवाने हैं। हाँ हाँ, चलो चलो, और भी बहुत सारे काम। गांधीनगर के सांस्कृतिक एवं सेवा केंद्र की तरफ से ये समारोह आयोजित किया गया है। नारंगम कला संस्कार वेदी की छठवें साल गिरा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि एसआई अजय कुमार जी हैं। इस समारोह में मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे सम्मानित एमएलए माननीय हरीश जी का भी इस समारोह की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम में हम पहला सम्मान करेंगे उस इंसान का जो सर्कस में कई करतब दिखा चुका है। उस महान कलाकार ने अपना पूरा जीवन सर्कस को समर्पित कर दिया है। ऐसे महान कलाकार को मैं आज के समारोह में सम्मानित करने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ। वो है हमारे नेप्पा चेटन। सब लोग नेप्पा चेटन का तालियों से स्वागत करें। नेप्पा चेटन, तालियां बजती रहे, तालियां बजती रहे। आइए, अनियप्पा चेतन का स्वागत करने के लिए मैं माननीय एमएलए साहब को आमंत्रित करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। उसके बाद इन्हें शॉल प्रदान करने के लिए मैं एसआई साहब को आमंत्रित करता हूँ। प्रोग्राम में आने वाला नहीं था क्योंकि मैं एक जरूरी केस की छानबीन कर रहा हूं, लेकिन आज मैं इस सम्मान समारोह से बहुत प्रभावित हूं। सही चयन किया आपने, इनका सम्मान करना चाहिए। बहुत बहुत मुबारक। और जब ये सम्मान समारोह पूरा हो जाएगा तो अगला सम्मान समारोह केरला पुलिस की तरफ से होगा। आपकी इजाजत हो तो मैं ये सम्मान देने जा रहा हूं। अनियप्पन, यू आर अंडर अरेस्ट। कैसे कैसे अरेस्ट में क्या किया इसने? लेकिन सर किया क्या? फिंगरप्रिंट मिले तो मैं कंफर्म हो गया कि असली अपराधी और कोई नहीं तुम ही हो। तुम्हें याद है? पोस्टमार्टम के मुताबिक जिस चाकू से कत्ल किया गया था वो छाती के बीचों बीच गड़ा हुआ था। ऐसा निशाना पेशेवर निशानेबाजी लगा सकता है, इसलिए मैंने उस सर्कस कंपनी में जाकर वहां तुम्हारे बारे में छानबीन करनी शुरू कर दी। तब पता चला बहुत पहले शो के दौरान उसने कंपनी में एक लड़की से बदला लेने के लिए उसे मार डाला था। उस वक्त हर किसी ने यही समझा कि ये सब गलती से हुआ। ओके, ओके।
थैंक्स यू सी यू। आस पास हमें कोई सीढ़ी नहीं मिली, तो बिना सीढ़ी के तुम अंदर कैसे गए? और वहां बिना किसी की मदद के तुमने उस लड़के का खून कैसे कर दिया? यही तो सवाल है। मुझे जिसका जवाब मिला नोटिस पर लगे दो फोटोज से, अब मेरा शक पूरी तरह से दूर हो गया। अच्छा तो अब बताओ तुम्हारा मोटिव क्या था? ये सब क्यों किया तुमने? और मुझसे झूठ बोलने की बिल्कुल कोशिश मत करना, सच को सच की तरह बताना। अपन वहां रानी की बेल के वास्ते वकील से मिलने गया था, लेकिन जब अपन वहां पहुंचा तो अपन ने सुना कि चिन्नेमा उस वकील से बात कर रही थी। वो कह रही थी कि इसमें वो रानी की मदद नहीं कर सकती। उस ऐसा ऐसा डील करना बहुत ही मुश्किल है, वो कैसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा। हमें कोर्ट से रानी की बेल करानी होगी। उसने हमारे क्लाइंट से अलग अलग केस फाइल कराने को कहा है, उनको लौटाने के लिए बहुत सारे पैसे चाहिए होंगे। उतने पैसे है तुम्हारे पास? बोलो। अरे ऐसा नहीं हो सकता, मैंने नारियल का फार्म खरीदने में सारा पैसा खर्च कर दिया है। तो फिर हमको पेपर पे अर्जी देनी होगी। चाय पियोगी? नहीं नहीं, मुझे चाय नहीं चाहिए। तो फिर ऐसा करो कि सारी जायदाद उसके नाम से हटाकर किसी और के नाम पे कर दो, ये सही रहेगा। ठीक है, तो फिर कोचाटन के नाम कर देते हैं, केस जीतने के बाद दोबारा बदल देंगे। हाँ फिर यही सही। वकील तो तुम इसके लिए कार्रवाई शुरू कर दो। हाँ ऐसा रहेगा तो उसके सारे पेपर्स मैं रेडी करके रखता हूँ, जब मैं आपको बुलाऊंगा तब आप रानी को बुला के उसमें साइन करा लेना। हाँ ठीक है चलेगा। हाँ हाँ जीत जाएगा फिर। अपुन तो सिर्फ बात करने के लिए वकील के पास गया था सर। तुम्हारी बेटी बहुत बड़ी परेशानी में है, मैंने उसे कहा था अगर मुझसे शादी करेगी तो वो खुश रहेगी, लेकिन उसने मुझे इनकार कर उस नचिनिए से शादी की। अब क्या हुआ, उसकी सारी जायदाद किसी और के पास चली गई। आपको कुछ समझा नहीं? हाँ तुम्हें समझ में भी नहीं आएगा, रानी को बेल दिलाने के लिए सारी जायदाद कोचाटन के नाम पे की जा चुकी है। अब एक लड़का आके कह रहा है कि वो कोचाटन का बेटा है, अब वो ही कोचाटन के नाम पे हुई सारी जायदाद का मालिक होगा। तो रानी का क्या? कुछ नहीं, तुम और तुम्हारी बेटी उस कंपनी के लिए जिंदगी भर कोर्ट के चक्कर काटते रहना, समझ में आया? और चिन्नेमा का क्या होगा? ओ खत्म, ये नया लड़का बहुत चालाक है, वो कोचाटन के साथ गांव छोड़कर कभी भी भाग सकता है, देखते रहना। उसके बाद वो तुम्हारे और तुम्हारी बेटी के खिलाफ केस दर्ज करेगा और तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। उसके बाद तुम्हारा पूरा परिवार साथ में सर्कस ज्वाइन कर सकता है। मैं जो बोलूं बुरा मत मानना, बुरा लगा भी तो कोई बात नहीं, तुम्हारी बेटी में बहुत ज्यादा ही अकड़ है, इसलिए उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। उस लड़के को पुराने मकान में रखा है, ये बात अपन को कार्तिक ने बताया। चिन्नम्मा ने उसे 2 लाख रुपए देने की कोशिश की, लेकिन वो फिर भी नहीं गया, क्योंकि लगता है उसका कुछ बड़ा प्लान है। और कहाँ है वो? उन्होंने उसे पुराने मकान में छुपा कर रखा है और चिन्नम्मा ने उसे एक बूंद पानी देने से मना किया है। इसलिए अपुन ने उस रात को उसको टपकाने का फैसला कर लिया। जब अपुन उस मकान के सबसे ऊपर के कमरे में गया तो अपुन को उसको मारने का कोई रास्ता ही नहीं मिला। फिर अपुन का दिमाग में घंटी बजी कि अपुन बांस का डंडा सर्कस से लेके आया था। Thank you.
अब मैं खुश हूँ, अब सच का खुलासा हो गया है। लेकिन इससे बहुत लोगों को चोट पहुँची है। उस वकील ने उनकी सारी जायदाद हथिया ली। कोचाटन कहाँ है? ऐसा सुनने में आया है कि वो अपनी दूसरी पत्नी के साथ है। रानी और उदय ने शहर जाकर अपना ब्यूटी पार्लर खोल लिया है। यहाँ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह मैं हूँ। कोई बात नहीं, ये सब ईश्वर की मर्जी है। जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। मेरी आपसे एक विनती है, आपने जो दया मेरे लिए दिखाई वही दया इस माँ के लिए दिखानी होगी। ये उसकी इच्छा है। इस बात में भी तुम्हारी माँ ने तुम्हें हरा दिया। वो ये कहकर उस कमरे में अपनी जिंदगी बिताना चाहती है कि जिस कमरे में रहकर तुम जिए उसी कमरे में वो मरना चाहती है। तुम उसे लेकर जाओ।